एवरीवन, कैसे आप लोग? सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मैं अयोध्या जाने का प्लान कर रहा हूँ, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आज से लेके 3-4 दिन तक बनारस और मेरे आजू बाजू के जितने भी स्टेशन हैं सारे जगह से ट्रेन कैंसिल है ऑलमोस्ट। तो मेरा अभी का प्लान था 9 बजे का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि 9 बजे वाली एक ट्रेन थी और एक 9:35, वो दोनों कैंसिल हो गई है। तो अभी प्लान कर रहा हूँ बस से निकलने का, बट अभी 8 बज रहा है, मैं ट्रेन के भरोसे बैठा था, बट वो भी अभी 8 बज गया तो एक बस निकल गई है। तो आई प्रेफर कि मैं मॉर्निंग में प्लान करूं, जस्ट लाइक कि आज रात में रेस्ट करता हूं, फिर सुबह निकलूंगा। तो अभी वही चेक करने आया हूं बस डेपो में कि लाइक कभी है बस मॉर्निंग में। ये रही 7 बजे वाली बस जो आजमगढ़ लखनऊ एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है गाजीपुर से, तो ये पकड़ने का प्लान है मेरा मॉर्निंग में 7 बजे। सो यहाँ पर सारी बस की डिटेल है, अगर आपका ट्रेन कैंसिल होता है आप गाजीपुर सिटी से हो तो बस डिपो आओ, आपको यूपी के हर एक कोने कोने जाने के लिए बस है, जैसे कन्नौर, कानपुर, बेवार, मैनपुर, सिकोराबाद, फिरोजाबाद, हर जगह। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो मैं आ गया हूँ वापस से गाजीपुर बस स्टैंड पे, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी जर्नी अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की नगरी। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, पहले ये कनेक्टिंग बस है, चलो डायरेक्ट बस बाद में है, तो मैं बोला टाइम वेस्ट करने से अच्छा निकलते हैं वहाँ पे जाके देख लेंगे आगे क्या है कैसा है, क्योंकि एक बार अगर निकल गए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हम पहुँच ही जाएंगे कैसे भी। तो लेट्स सी, मेरा थोड़ा तबीयत मतलब मेरा थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, सर्दी बुखार, थोड़ा ठंडी लग, मतलब ठंडी टाइप हो गया है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट, अभी यहाँ पे 9-10 डिग्री है ऐसा, काफ़ी ठंडी है। और सुबह सुबह पहुँच तो गया हूँ मैं टाइम पे, देखते हैं अभी, आई होप हम लोग अच्छे से पहुँच भी जाए, सारी चीज़ अच्छे से हो जाए। सो लेट्स सी कैसे कैसे होता है सब आगे। तो मैं चलता हूँ, अभी निकलते हैं हम लोग फटाफट, इस 6:55 राइट नाउ, 5 मिनट में बस यहाँ से निकल जाएगी। सो लेट्स गो। थक हार के काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल में हेक्टिक ट्रैवल था यार, यहाँ तक आना मतलब यहाँ पे आने मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटा लग गया, अभी हो रहे टोटल 3:44। मैं मॉर्निंग 6 बजे से घर से निकला हूँ, अब भी मैं पहुँचा हूँ एकदम राम मंदिर के यहाँ पे, जस्ट मेरे पीछे काम चल रहा है, आप देख सकते हो वो पीछे, इसके आगे एक्चुअली मोबाइल और बैग लेके अभी से जाना अलाउड नहीं है, हर जगह सीन ही सीन है मेरे साथ, यहाँ जाता हूँ मोबाइल और बैग अलाउड ही नहीं होता है। तो मैं देखता हूँ और क्या क्या अभी मतलब कैसे लेके जाओ अंदर। सो चलो एक बार ट्राई करते हैं अंदर जाने का, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं साथ में, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए सर, बहुत कुछ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा जो राम मंदिर का काम चल रहा है, एक्चुअली क्या है ओपनिंग के लिए अभी 1 महीने से भी कम टाइम बचा, देख रहे हैं अमवा राम मंदिर। ये एक्चुअली यहाँ का किचन है जहाँ पे वहाँ से आपको पास लेना पड़ता है खाने के लिए, बट वो खाने का टाइमिंग 3 बजे तक ही चालू रहता है, तो 3 बजे तक अगर आप पास लेके आते हो तो यहाँ पे आपको 3 बजे तक फ्री खाना मिलता है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, ट्राई करता हूँ, अगर ऊपर से क्लिप आएगी तो आपको ऊपर से मैं दिखाता हूँ कैसा है, आ जाइए। तो आइए हम बाल रूप श्री राम जी के दर्शन करते हैं सबसे पहले आप लोग। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या पे। तो अभी एक्चुअली क्या है कि वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, बट जैसे ही आप राम रसोईया में आएंगे यहाँ पे जस्ट सामने ऊपर से बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है यहाँ पे। कैसे यहाँ पे खाने की भी सुविधा है, बट वो 3 बजे तक ही है, तो अब 3 तो बज के गया, मुझे पहुँचने में 4-5 बज गया। एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही था कि ट्रैवलिंग बहुत हैक्टिक था। तो आइए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का कितना परसेंट काम हुआ है, कितना बाकी है, और अभी मतलब 1 महीने से भी कम समय बाकी है मंदिर उद्घाटन में। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं ये राम रसोईया जो मंदिर है
जस्ट उसके ऊपर ही हूँ। तो हम यहाँ से एक फुटेज आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ के नीचे भी बहुत सारे मंदिर है सारे देवी देवताओं के, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप देखिए धीरे धीरे। तो गाइस ये है मंदिर जिसका काम अभी चल रहा है, और अभी काम पूरा हुआ नहीं है, बहुत काम पेंडिंग है इसमें, बट एक महीने के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट योगी सरकार, तो सारे काम हो जाएंगे जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और काफ़ी प्यारा ही व्यू है एकदम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, मैंने पहले के भी काफ़ी वीडियोस देखे थे बट उसमें ऐसा कुछ था नहीं, बट जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस आया बहुत चेंजेस है, जैसे कि मैंने आते टाइम रोड का शूट किया था, सारे रोड पे लाइट्स लग रहे, दबा के धनाधन लाइट्स लगाया जा रहा है ताकि, क्योंकि 22 तारीख को हमारा उद्घाटन है तो हमारे मोदी जी आएंगे यहाँ पे, तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत तगड़ा काम चालू, बहुत फास्ट काम चालू, मतलब समझ सकते हो वन साइड के रोड बंद करके वन साइड का चालू करके काम चालू है फुल धड़ल्ले से भाई, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ गया भाई, मतलब एकदम अभी मतलब क्या ही बताओ आपको, फुल धनाधन व्यू है और काफ़ी सब सारी चीज़ें अच्छी है। अभी हम लोग लेट हो गए वरना मैं यहाँ का आपको प्रसाद भी दिखा पाता, कैसे हम खाना है यहाँ का क्या है कैसा नहीं है। तो अभी आप मंदिर का देखिए और मैं आजू बाजू के परिसर का आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा कि पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया था कि भाई यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं इसके लिए वहाँ पर बंद कर दिया और मैंने दूसरी जगह ढूंढी जहाँ से मैं आपको एक क्लिप लेके दिखा पाऊँ। तो ये रहा राम मंदिर का जो अभी फ़िलहाल चल रहा है काम, तो अभी देखते हैं आगे कि यहाँ पे और क्या क्या काम पेंडिंग है, जैसे रोड्स के काम हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि मैं 7-8 किलोमीटर से आ रहा हूँ बट सारे वॉल पे एक डिज़ाइन कॉमन है जो कि मैं आपको जाते वक्त दिखाऊंगा। मेरे को लगता है ये फतवा जारी किया गया है कि भाई सब ये बनवा लो, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में भी, बहुत ही सही लग रहा था। और सबका कलर सेम है, सब कलर सेम है, जैसा मंदिर का कलर है ना पत्थर का, सब ने वैसा ही कलर किया है अपने घर को, ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर्स, लाइक बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सही। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू एक सनसेट के साथ, काफ़ी मज़ेदार। तब तक आप कुछ सिनेमैटिक्स इन्जॉय कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे आपसे मिलते हैं वापस। इसके अंदर जो है वो बाल राम की प्रतिमा है जहाँ पे अभी हम चलेंगे दर्शन करने के लिए, सो पहले वहाँ पे जाते हैं, फिर उसके बाद ये देखिए ये यहाँ का मंदिर का जो लेंथ है ऊपर का, काफ़ी मस्त एकदम लंबा और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। लाइक अयोध्या काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये जो रास्ता है सामने, ये रास्ते से जस्ट आप स्ट्रेट उतरेंगे ऑटो से, तो वो रास्ते से सीधा चल चल के आना है और यहाँ से चल के आप जाएंगे, ये मार्केट है और ये रोड है जो सीधा आपको लेके जाएगा ये मंदिर की तरफ। बट उसके जस्ट पहले आप यहाँ से आते रहेंगे, यहाँ से जस्ट अंदर यहाँ पे आइए जहाँ पे आपको मिलेगा ये आमुआ राम मंदिर। तो यहाँ पे आइए, भगवान राम के बालपन की मूर्ति है यहाँ पे, इनके दर्शन कीजिए। यहाँ पे आपको फ़ोटो वीडियो अलाउड है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप यहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, और आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ पे आके प्रसाद भी ले सकते हैं जो कि यहाँ का लड्डू है, ठीक है। यहाँ पे निशुल्क लॉकर भी है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में उतरेंगे तो लोग आपको लॉकर करेंगे। से अभी वहाँ के लॉकर में जमा करना सेफ नहीं है जब तक राम मंदिर का पूरा उद्घाटन हो नहीं जाता, क्योंकि जस्ट बिकॉज अब अभी नया नया खुल रहा है तो वहाँ बाहर कैसे लोग हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ गारंटी नहीं ले सकते हम। बट अगर आप यहाँ पे आके करते जो कि यहाँ के पर्यावरण, लाइक यहाँ का जो मतलब यहाँ की जो कमिटी का है, लाइक यहाँ के जो कमिटी का निःशुल्क लॉकर है, आप वहाँ करते तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ हो भी सकता है आपका सामान गुम होएगा तो। बट अगर आप बाहर कहीं करते तो भाई कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो इसके लिए पीछे मेरे व्यू देख सकते हो और क्या प्यारा व्यू है, मतलब तो सोचो ये सनसेट के साथ राम भगवान का मंदिर, ओ माय गॉड, बहुत ही सही लगेगा। तो भाई बोलो एक बार प्यार से जय श्री राम। नीचे का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, श्याम नारायण हनुमान जी मंदिर, शिव दरबार, पंचमुखी महादेव, राम महल, सारे मंदिर हैं यहाँ पे, पूरे 9-10 मंदिर है टोटली। आइए एक एक करके सारे के दर्शन करते हैं हम, आइए सब हमारे भगवान।
जय श्री राम, लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। दर्शन करते रहिए आप भी मेरे साथ। और ये हमारे बजरंग बली, और आज शनिवार है, बोलिए बजरंग बली की जय। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मेरे को एकदम पॉजिटिव वाइब है। जय बजरंग बली। बजरंग बली की प्रतिमा ही इतनी सुंदर है कि मतलब देख के पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, फुल एकदम ताकत। जय श्री राम। जैसे कि अभी जो पुरानी शिलाएं आई थी बड़ी बड़ी, जिससे सारी मंदिर की प्रतिमाएं बन रही है, वो एक्चुअली सब अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अंदर कैसा है ना कि वहाँ पे ना फ़ोन अलाउड है, ना आपका कोई बैग अलाउड है, तो आप अंदर जाके शूट नहीं कर सकते आप। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स है। बट अभी देखते हैं आगे आगे कि यहाँ पे रोड पे सब कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कितना काम बाकी है, कितना और काम करना चाहिए भी। मतलब मेरे को लग रहा है मुश्किल से 20 या 22 दिन भाई फाइनल टचअप कैसे आएगा वही देखते हैं हम लोग एक बार। मेरे हिसाब से तो नहीं आ जाएगा, देखते चलिए एक बार, लेट्स सी कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं लोग। आइए आपको मैं आगे आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे अभी जो मंदिर बन रहा है ना, मंदिर के अंदर रामायण की जितनी भी कैरेक्टर्स थे, जो आपने रामायण देखा होगा टीवी पे, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, सारे कैरेक्टर्स के शिलाएँ बन रही, उस शिला से जो पत्थर आए हुए हैं यहाँ, वहाँ से शिला है जो, उनसे सारे कैरेक्टर्स की मूर्ति बन रही है। अगर राम मंदिर आएंगे तो एक सारा छोटे छोटे कैरेक्टर भी आपको दिखेगा, जितने कैरेक्टर्स है एवरी वन, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, जो जो है सब दिखेंगे आपको। तो उस प्रकार से भव्य मंदिर की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो लाइक कैसे है कि जो बानर सेना थे, पूरा बानर सेना, लाइक कि जो 3-4 फ्लोर का राम मंदिर है हमारा, उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाएगी आपको, पूरा रामायण से लेकर, रामायण में जितने कांड होते हैं, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, बाल कांड, सब कांड में क्या क्या डिटेल्स है, सारी चीज़ें प्रतिमा के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए इतना भव्य मंदिर कहा जा रहा है। और मेरे हिसाब से जो 22 जनवरी को लोग कह रहे हैं कि उस दिन दिवाली मनानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से सही बात है कि हमें दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे श्री राम लला, हमारे श्री राम प्रभु आ रहे हैं अपने घर। तो भाई इसी बात पे बोलिए एक बार जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे आगे कि और क्या क्या है, कहाँ कहाँ शूट करना अलाउड है, वहाँ चलते हैं हम लोग। और साथ में बने रहिए, थोड़ा भी यहाँ भागिए मत, वरना समझ जाइए राम जी की कृपा नहीं होगी फिर। निःशुल्क लॉकर की सेवा, और सामने जो प्रसाद वगैरह हमारे भाई बेच रहे हैं वो भी लॉकर की सेवा दे रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल प्रेफर करूंगा यहाँ पे निःशुल्क जो लॉकर की सेवा है वो लेना, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। जैसा मैंने आपको बताया है कि अभी पूरी तरह से राम मंदिर उद्घाटन हुआ नहीं है, तो कहाँ किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, तो जो संस्थान है उनके ऊपर ट्रस्ट करना अच्छी बात होगी। तो अभी यहाँ देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ श्री राम जन्मभूमि पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने एक प्यारा सा व्यू और एक प्यारा सा नज़ारा, मतलब एकदम ज़बरदस्त सीन है सब सारे। तो लेट्स सी आगे चल के देखते हैं क्या है एंड कैसे होगा सब। सो लेट्स गो। तो जस्ट अभी मैं जाता हूँ अंदर, दर्शन करके आता हूँ अंदर, फ़ोन एंड तो अलाउड नहीं है, तो एक बार जाके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा क्या है सीन अंदर का। तो चलिए मैं जरा एक बार जाता हूँ, मेरे बाल के और पूरे फेस की हालत ख़राब है कैप पहन के आया यहाँ तक, तो मैं एक बार दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको सारी डिटेल्स देता हूँ।